हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऑफशोर जॉब के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो चीज़ बताने वाला हूँ। और आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस और क्या एक्सपीरियंस चाहिए ऑफशोर जॉब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और पहली चीज़ मैं बता दूँ कि मैं अभी जो है ऑफशोर बीच पे हूँ, मुंबई में हूँ। और चूँकि लास्ट टाइम वीडियो मैंने बताया था कि जो ऑयल एंड गैस फील्ड है अपना इंडिया में जो क्रूड ऑयल पाया जाता है वो अरेबियन सी में पाया जाता है, तो मैं अभी यहाँ पर हूँ ऑफशोर बीच में। यहाँ से ये जो पूरा फील्ड है अरेबियन सी है, इधर ही ऑयल एंड गैस का पूरा फील्ड है इंडियन ऑफशोर को बोलते हैं अरेबियन सी में। और अपना इंडियन टेरिटरी तो 200 किलोमीटर तक है, हर कंट्री का टेरिटरी जो है 200 किलोमीटर ही रहता है। और यहाँ से 70 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ से अपना ऑयल एंड गैस का फील्ड स्टार्ट हो जाता है, वेल हेड स्टार्ट हो जाता है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि ये लोकेशन ऐसा है कि तो आपको समझ जाए कि काम कहाँ होता है, ठीक है, इसी एरिया में बैक साइड में समुंदर में ही काम होना है। ओके, और मैं पॉइंट पे आता हूँ कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए और एक्सपीरियंस क्या चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हर किसी के लिए काम है, चाहे वो इंजीनियर्स हो या डिप्लोमा होल्डर्स हो या फिर टेक्नीशियंस हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, फिटर्स हो, जो भी कैटेगरी का हो, या फिर क्रू मेंबर्स कोई टीम हो, या फिर आपका कैटरिंग क्रू हो, खाना बनाने वाला हो, डॉक्टर्स हो, सेफ्टी इंजीनियर्स हो, हर किसी के लिए वहाँ पर जॉब है, हर कोई काम करता है। और ये मैं जिस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ ना, अभी ओनली मैं कंस्ट्रक्शन काम के लिए बता रहा हूँ जॉब। और दूसरा काम तो बहुत, और नेवी वाला का, मर्चेंट नेवी काम अलग होता है, वो उसके लिए तो अलग ही पोजीशंस है, अलग ही फील्ड है, मीन्स काम है, वो उसके लिए अलग एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो ऑफशोर फील्ड में जो वेल हेड बनाया जाता है, जो तेल का कुआं बोलते हैं जैसे, या फिर प्रोसेस प्लेटफॉर्म, उन सबको इंस्टॉल करने से लेकर के कमिश्निंग तक ये जो काम होता है, मैं उस चीज़ से रिलेटेड के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्वालिफिकेशन ये है कि आप अगर इंजीनियर्स हैं तो आप इंजीनियर्स के लिए बीटेक या बीई होना चाहिए, डिप्लोमा होल्डर हैं तो भी चलेगा, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी ओके। और दूसरा एचएससी इंजीनियर्स के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इसके बेस पे आपको जॉब मिलेगी, उसी हिसाब से आपकी सैलरी होगी। और एक्सपीरियंस जो है आपका मिनिमम, अगर आप इंजीनियर्स हैं तो आपको 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए वहाँ जॉब करने के लिए। ये भी जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो ऑयल एंड गैस फील्ड का होना चाहिए, और एक्सपीरियंस एटलीस्ट ऑनशोर का हो। ऑफशोर का फर्स्ट टाइम में मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होती है जॉब करना वहाँ पर, तो कोई आपका जानने वाला हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो तो ऑफशोर आप जाके जॉब कर सकते हैं। अगर नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम आप पहले ऑनशोर में ट्राई करिए, कहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कीजिए, तभी आप जा सकते हैं। तो मिनिमम 2-3 ईयर तो एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियर से डिप्लोमा वालों के लिए। और दूसरा जो वर्कर्स है, फिटर्स है, पाइप फिटर्स है, इनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा, या फिर जो नए नए हेल्पर्स है वो तो नए नए में भी चले जाते हैं काम करने के लिए, फुल फ्रेशर वो भी चले जाते हैं। इन वेल्डर्स, फिटर्स, ये 1 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है, 1 साल का ऑनशोर का हो या ऑफशोर का हो, इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है इनके लिए। तो ये चीज़ें आपका होना कंपलसरी है, जो मैंने बताया एक्सपीरियंस मिनिमम डिप्लोमा से बिलो कैटेगरी का जो भी है उसका 1 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है, ऑनशोर का या ऑफशोर का। ऑफशोर ऑनशोर का 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो ऑफशोर में जॉब कर सकता है, और ऑफशोर का 1 साल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। तो और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर आप ऑफशोर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको PCC चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। और दूसरा पासपोर्ट मस्ट है, पासपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है ऑफशोर में जॉब करने के लिए। और बॉसेट ट्रेनिंग वो भी आपको चाहिए, बेसिक ऑफशोर ट्रेनिंग होती है उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा ऑफशोर में जॉब करने के लिए। तो दोस्तों यही था, आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि क्या क्वालिफिकेशंस है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। अगर और भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं फिर से ट्राई करूँगा कि आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगे तो उन लोगों को भेजिए जो ऑफशोर में जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है। थैंक यू।